Hey guys, welcome to the Hapiness cocktail. So guys, I am Devina and she is Rohini. Yet again, हम लोग second time collaborate कर रहे हैं. तो फिर अगर आपको वाला video भी देखना होगा, वो भी हम लोगों ने challenge किया था. I'll put the link on description. Do check it out. और हम लोग अभी दो वीडियो फिर से फिल्म कर रहे हैं, मेरे चैनल के लिए एक रोहिणी के चैनल के लिए. सो हम लोग अभी मतलब फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो हम लोग उससे फेस्टिव रिलेटेड कुछ करते हैं. और हम दोनों मतलब छत्तीसगढ़ में रहते हैं, तो छत्तीसगढ़ रिलेटेड किए हैं. तो हाट लगा हुआ था पंडरी में, तो हम लोग वहाँ गए थे. वहाँ छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ सामान है जो दिवाली के उपलक्ष्य में हम लोग लिए हुए हैं. और हम लोगों ने बजट फिक्स किया है 1000 रुपीज के अंदर हम लोग को लेना है. मुझे 1000 और रोहिणी को 1000. और ये एक हमारी वीडियो के ऊपर हो गया, और सेकंड पार्ट जो है रोहिणी जी के चैनल पे है. आप बताइए क्या किए हम लोग आज आपके चैनल पे. हाँ, हम लोगों ने यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ी फेमस डिशेस हैं वो ट्राई आउट करे हैं. पहले नहीं करे हुए थे, तो यहाँ पे एक और एक हार्ट फूड हार्ट टाइप का एक फूड कोर्ट टाइप का एक चीज है, जो कि बोलते हैं उसको गढ़ कलेवा. बहुत ही एकदम से अजीब सा नाम है, एकदम से स्ट्राइक नहीं होता, भूल भी जाता है. तो गढ़ कलेवा में गए थे, वहाँ पे हम लोगों ने कुछ खाया, और वो कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस जरूर देखना मेरे चैनल पे. और वो भी वीडियो बहुत जल्दी आ ही जाएगा, शायद इसके बाद में आएगा. थोड़ा बिजी चल रही हूँ, थोड़ा घूम के आऊंगी, तब तक मैं डाल दूंगी. जरूर से वो वाला वीडियो भी देख लेना, जाके हम दोनों के चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किए हैं. तो फिर रोहिणी जी आप दिखाएंगे पहले कि मैं दिखाऊं कि क्या लिए हम लोगों ने, कि एक एक सामान करें. एक एक सामान पहले तुम दिखा दो, क्योंकि तुम्हारा चैनल है. और फिर मैं एक सामान दिखाऊंगी, और फिर ये दिखाएगी, फिर मैं. गाइस जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये आपको दिखेगा. सबसे पहले ये इसमें पानी डाल के जो डेकोरेशन पर्पस होता है ना, स्टैंड की तरह भी है, जैसे आप म्यूजिक देख सकते हैं. तो बहुत ही सही चीज है. कि क्या प्राइस एंड ऑल है, अब चलते हैं अंदर देखते हैं क्या है. कितना सुंदर है ना, सब कुछ ये इतने खूबसूरत से दिए, 10 के 1 है. अच्छा लग रहा है नहीं? हाँ अच्छा है. रोहिणी जी ले रहे हैं, देखें ये परी कुर्ते हैं. कलर इज वेरी नाइस, कॉम्बिनेशन बहुत सही है. हम देखते हैं आके प्राइस. भैया क्या प्राइस है इसके कुर्ते, इसके 650 से स्टार्ट है. रोहिणी जी क्या लेते हैं, मैं क्या लेती हूँ, जानने के लिए बने रहे हमारी वीडियो पे. पल्स ये एकदम फेवरेट है. कैसा है? बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग भी बताइएगा. ये कितने का है? 180 का है. मेरा इसका कलर फेंड नहीं हुआ उसका. अच्छा भैया, हम लोग आ रहे हैं अभी लेंगे. ओके मैडम. और ये सब 180 के हैं? हाँ मैडम. फ्लावर्स एज वेल हियर, प्लांट्स. ये तो मेरे को बहुत पसंद है यार, फ्लावर्स ना. Not yet decided, wait till the end. So guys, देखते हैं हम क्या क्या लेके आए हैं वहाँ से. ये चाय देविना के यहाँ की है, और मस्त बनी है एकदम चाय. मेरी मम्मी ने बनाया है. आंटी ने बनाया है, और बहुत अच्छी इसलिए भी लग रही है, बहुत दिनों के बाद मैं पी रही हूँ. 10 दिन मेरा भी चाय छोड़ा हुआ था. क्यों? नहीं पी रही थी मैं चाय, थोड़ा सा ऐसे ही करती रहती हूँ मैं कुछ कुछ के. हाँ कुछ चीजें छोड़ देती हूँ कुछ दिनों के लिए. लेकिन आज ना इतना घूमे हम लोग, कितना गई थी, चाय तो चाहिए, एकदम रिफ्रेश होगी. हाँ चलो स्टार्ट करो. तो मैंने सबसे पहले ये दिखाती हूँ मैं, ये 20 रुपीज पर पीस लिया है. और अगर मैं ये चीज सेम बैंगलोर में लेती हूँ ना, तो मतलब वो बहुत कॉस्टली है. 120 कुछ का तो देता है वो, बहुत कॉस्टली होता है. मुझे तो करेक्ट प्राइस नहीं पता, बट ये देखिए ना कितना अच्छा है यार, इसकी डिटेलिंग और ये सब चीजें कितनी
अच्छी लगी। मतलब ये तो एकदम ही ट्रुथफुल है कि अगर आप इसको कहीं और से कोई और सिटी से लेते तो नेचुरली ये 20 पर पीस तो कहीं से नहीं मिलता है। देखिए कितना बड़ा है, काफी अच्छे रीजनेबल रेट में ये मिल गया है। तो ये मेरी फर्स्ट चीज थी, अब रोहिणी जी का की बारी है। एक्चुअली मेरा जो खरीदने का एक पर्पज था कि मैं एक ऐसे सीक्वेंस में खरीदती जाऊँ तो मुझे सबसे पहले कपड़ा चाहिए था। कपड़ा हम लोगों ने काफी देखा, कपड़े में ये था कि हम लोग की कुर्तियां पहले मैं देख रही थी कुर्तियों में मिल जाए, लेकिन कुछ ऐसा पार्टी वेयर या दिवाली वेयर मिल जाए, तो लेकिन वैसा कुछ मिला नहीं मुझे। और मतलब इंटरेस्ट का ही था, थोड़ा सा ना अजीब सा था। तो यहाँ पे मैंने कुछ साड़ी देखी, साड़ियाँ काफ़ी अच्छी थी, लेकिन जो मुझे साड़ी पसंद आई ना ये एकदम ही सिंपल सी साड़ी है, दिखने में बहुत सिंपल है और कलर जो है ना वो काफ़ी फ्रेश है। कितना अच्छा लग रहा है, मुझे कलर एक्चुअली काफ़ी फ्रेश लगा और बहुत ही इजी टू वेयर साड़ी होने वाली है। हल्की सी साड़ी है, कपड़ा भी एकदम ही स्टिफ नहीं है, सिंथेटिक भी नहीं है, कॉटन मिक्सड है, लिनन है और मुझे ये बहुत अच्छा लगा। अगर मतलब मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करोगे ना तो जरूर से पता चल जाएगा ये जो मैं पहनूंगी साड़ी, तो आप लोगों को लुक एक्चुअल में इसका कैसा है वो पता चल जाएगा। इसका जो रेट था ना वो उसने जो मार्केट प्राइस बताई, मतलब जो शॉपकीपर था उसने 1800 बताई थी। और सीरियसली हाँ, और तुम ठीक है, तुम गेस करो कितने की थी। उसने उस पर 20% डिस्काउंट करा, फिर और थोड़ा 25% कुछ ऐसा डिस्काउंट करा, कुछ 1200 वगैरह कुछ बता रहा था। मैंने उसको 500 बोला, वो 500 में दिया इसको 1800 की साड़ी को। और एक्चुअल में लेकिन उसने ये भी बोला कि नहीं मिलती आपको ये 500 की, क्योंकि बोनी का टाइम था। ओके 1800 की तो साड़ी नहीं लग रही है मुझे। हाँ 1800 की ऑब्वियसली नहीं है ये साड़ी, कहीं से नहीं हो सकती, लेकिन 500 में मिल गई यार, मतलब हाफ से भी कम, तो मैं तो खुश हो गई उसी में। फर्स्ट परचेज हैप्पीनेस कॉकटेल। अब आपने येलो दिखाया तो मैं भी अपना कपड़ा, मैंने भी येलो पे लिया है, बट बहुत ही अलग है मेरा। मैंने लिया है प्लेन नाइट ड्रेस, दिस इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू दिवाली। दिवाली के दिन पहनना, मैं रात में ये पहन के सोऊंगी दिवाली के दिन। ये मेरा वन पीस काइंड ऑफ घर नाइट सूट है, ये 200 का मिले मुझे। कपड़ा एंड ऑल इज वेरी नाइस एंड कलर सी, कपड़ा एंड ऑल इज वेरी नाइस, सो अच्छा मिल गया। कपड़ा काफी अच्छा है। कलर इज ऑल्सो वेरी नाइस, कलर ऑफ द डे है आज येलो। जो मेरा सेकेंड आइटम है वो है ये प्यारे से हाफ चांद बालीज। एक्चुअली इसको पसंद इसने किया था और हाँ मुझे भी पसंद आ गया। मैं इसको एक बार रैपर को खोल के बताती हूँ, इस तरीके का ये चांद बाली है। इट इज एक्चुअली लुकिंग वेरी प्रिटी। और ये भी मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसके ऊपर पहनना अच्छा लगेगा, है ना। तो ये मेरा सेकेंड परचेज था और ये आया था 100 रुपीज में, जो कि मुझे 100 रुपीज में काफी अच्छा लगा, मतलब ठीक लगा, ऐसा नहीं है। और अच्छा हल्का भी है और इतना भारी भी नहीं है, मतलब एकदम ही क्वालिटी खराब भी नहीं लग रही है। अच्छा अच्छा। और यार मेरे को बेंगलोर में सच में ये 100 रुपीज की इयर रिंग्स कहीं नहीं मिलती मेरे को, मतलब मैं क्या बताऊँ। रायपुर आया करो, हमसे मिला करो। रायपुर में अच्छा कम में मिली। और ये मैंने रोहिणी ने इयरिंग दिखाए तो मैं कॉपी करते हुए उससे इयरिंग दिखा रही हूँ। मैंने ये लिया, मेरा ये वाला है, बहुत ही प्रिटी लग रहा है ना, बहुत सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर है, ये भी बहुत प्यारा है। ये था 250 रुपीज का, बट मुझे लगा कि 250 सही है यार, ये बहुत काम किया हुआ है इसमें देखो यार। अच्छा मेरा जो ये कौन सा थर्ड नंबर ऑफ परचेज है, ये प्यारा सा नेकलेस, ये नेकलेस है, बहुत ही सुंदर है यार ये, मतलब हम लोग ऐसे देख रहे थे हमारी नजर इसमें पड़ी यार। और मुझे ये नेकलेस इसलिए भी अच्छा लगा क्योंकि मोर जो है ना आजकल बड़े एकदम ही ट्रेंड में, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जहाँ देखो वहाँ मोर 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 दिख रहे हैं। और एक्चुअली मुझे मोर या हाथी ऐसे पहनने में बड़ा मजा आता है। हाथी के तो मेरे पास ऑलरेडी 2 इयररिंग्स हैं हाथी के बने हुए, और ये मोर है, मोर का भी इयररिंग है, मैंने शायद पिछले वाले वीडियो में अगर नहीं चेक किया होगा तो देख लेना, वो हॉल वीडियो था। और ये है मोर नेक, बहुत सुंदर है, और ये भी इसके ऊपर बड़ा ही अच्छा लगेगा। हाँ जो मेरी साड़ी है सोच समझ के लिए, हाँ मतलब ये पूरा दिवाली, जो दिवाली है ना उस दिन तो नहीं पहनूंगी मैं, हाँ। दिवाली के दूसरे दिन वाली दिवाली में पहनूंगी। हाँ, छोटू दिवाली। और फिर मैंने भी रोहिणी जी ने जब नेकलेस लिया तो मुझे भी लेना ही था, तो मैंने भी ये लिया है। इसका रैपर तो बहुत ही पुराना सा लग रहा है, बट मैं दिखाती हूँ। ये ऐसा मेरे पास सीरियसली नहीं था, और पर्ल रोहिणी जी को बहुत पसंद है,
तो ये गिफ्ट करने वाली है मेरे को। इधर कितना लॉटरी लग गई, तो सोचा था गले का है, आया उसका कान का भी। हाँ हाँ गॉड, हम लोग को पता ही नहीं था कि कान का भी इसमें। वाओ यार, दिस इज रियली वेरी नाइस। देखो हम लोग 200 रुपए कुछ पे किए इसका, है ना, 200 रुपीज में। यार ये मतलब मैं 200 रुपीज में, तो मेरे को बैंगलोर में कभी कुछ चीज नहीं मिल जा रही नेकपीस और ये सब चीजें। सीरियसली मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, तो ये मुझे मिल गया तो मैं सोची क्या ले लेते, क्योंकि हम लोग क्या वीडियो बनाते रहते हैं और उसमें लगता है ऐसा पहने तो एक अलग ही लुक अच्छा आ जाता है। तो इसीलिए मैं भी एक्चुअल में इतने बड़े बड़े कान के झुमके आजकल इसीलिए ले लेती हूँ, क्योंकि ये ना वीडियो में एक्चुअल में दिखता है। और आप कोई दिवाली या कोई पार्टी में जाते हैं ना, तो वो बड़े बड़े आजकल झुमके चल भी रहे हैं, ट्रेंड में है, तो वो अच्छे हैं। और आजकल बेसिकली बड़े भी होते हैं ना तो भी हल्के रहते हैं, तो आपके कान जो है ना उनको भी तकलीफ नहीं होती है। बट आई रियली लाइक दिस वन, दिस वाज माय बेस्ट परचेज लाइक इस पूरे हॉल में। आपको बताइएगा कौन सा सबसे अच्छा लगा हम दोनों के। ओके, मेरा और कुछ नहीं, ये तो मेरा लास्ट है। और इसके अंदर क्या है, डेंटन है। ये एक्चुअल में बेसिकली दिवाली पर्पज के लिए है, जो कि है ये प्यारा सा दिया। तो ये हम लोग हर साल ही एक्चुअल में तुलसी है ना, घर में जो तुलसी रहती है उसके सामने से दिया जलाते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा है, ऐसा नारियल का शेप है, हाफ नारियल को डाइसेक्ट कर दो और बीच में यहाँ से धुआं निकलने के लिए बना हुआ है। हाँ, ये यहाँ से धुआं निकलने के लिए कुछ बना हुआ है। हाँ, यहाँ पर लगाने का भी दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पे एक ऐसा हुक है जो आप खीले में टांग सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है खीले में टांगने से अच्छा किसी बेस पे ना ऐसे रख दें तो ज्यादा बेटर है। और ये दिया है तो ये, हाँ, पर्टिकुलरली दिस इज फॉर दिवाली, तो ये आप कहीं और भी यूज कर सकते हैं। ये दिया टूट जाए तो दूसरा दिया डाल सकते हैं। इस दिए संग जल रहा, तो अब रोहिणी जी ने दिया लिया है तो मुझे भी दिया लेना है। ओह गॉड, तो मैंने लिया है, बट मेरे ऐसे टाइप के दिए हैं थोड़े। ये 10 रुपीज का परपीस मिला यार, कम ऑन गाइस, कहाँ मिलेगा ऐसा यार, नहीं मिल सकता कहीं भी, नहीं मिल सकता यार। 10 रुपीज का सेम है, तो ये अपने दरवाजे के आसपास रखेंगे तो ये बहुत सुंदर सा लगेगा, तो इसलिए मैंने लिया है 10 रुपीज परपीस। बहुत ही अच्छा कलर भी, एकदम दिवाली टाइप का कलर है। तो दिस वाज माय लास्ट परचेज गाइस, कमेंट डाउन एंड लेट अस नो कि कौन सा सबसे अच्छा लगा। मेरे में अलग बताना और रोहिणी के में अलग बताना। मेरा जो टोटल कॉस्ट थी ना, अच्छा ये जो दिया हम लोगों ने जो लिया है, ये दिया मैंने 60 रुपीज में लिया, और इन सब की जो टोटल कॉस्ट मेरे को पड़ी वो 810 पड़ी, मतलब 1000 के एकदम ही कम पड़ी। हाँ, इससे मैं ऊपर ले सकती थी, लेकिन बहुत सारी आइटम्स मुझे इतने नहीं ज़रूरत थे, तो मैंने नहीं लिया कि 1000 को भी, मैंने सेविंग करी। यस यस ट्रू। लेकिन हाँ, 810 में मैंने 4 कमोडिटीज़ लिया, और इन्होंने मैंने 700 कुछ का, 750 मेरा, ज्यादा कुछ नहीं। देखो मैं 750 में इन्होंने 5 चीजें ली है, मैंने इनकी सेविंग थोड़ी ज्यादा हो गई, लेकिन मैंने साड़ी ली है। हाँ, दैट इज द बिगेस्ट वन यार। मैंने सब छोटे छोटे सामान लिए हैं, बट जरूरत के थे, क्योंकि मुझे साड़ी यार मैं पहनती नहीं हूँ, और मतलब मम्मी की साड़ी ले लेती हूँ मैं जब बोर हो जाते हैं, तो मैं यूज कर लेती हूँ, वो यूज कर लेते हैं। सही बात है। तो ये तो यार गाइस, है ना, हो गया। तो हमारा दोनों का चैनल सब्सक्राइब करेगा, रोहिणी जी का वीडियो जाके जरूर देखिएगा, और इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो कर लेना जरूर। हम लोग अपने नए वीडियो में मिलते हैं, जब तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय, टेक केयर।